हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक रूम। मैं हूं गौरव और आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूं यूनिवर्सिटी T612 वर्सेस मीडिया टेक हीलियो P35। यहां पे कंपैरिजन जो है काफ़ी तगड़ा होने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा एंड वीडियो जो है लाइक भी कर दीजिएगा। की बात करें इसमें मिलेगा आपको रिव्यू, उसके बाद बेंचमार्क, इन्फॉर्मेशन, सीपीयू, ग्राफिक्स, गेमिंग, मेमोरी, कैमरा, डिस्प्ले, लास्ट में का कनेक्टिविटी। अपने कंपैरिजन पे तो बात करें सीपीयू एंड गेमिंग परफॉर्मेंस स्कोर की, तो सीपीयू परफॉर्मेंस स्कोर में यूनिक का स्कोर है 26 एंड हीलियो का स्कोर है 19। जी गेमिंग परफॉर्मेंस की भी बात की जाए तो यहाँ पे यूनिक का स्कोर है 10 एंड हीलियो का स्कोर है 7। यहाँ पे अगर आप हीलियो P35 एंड यूनिवर्सिटी T612 में नहीं समझ पा रहे कौन सा लेना, तो मैं रिकमेंड करूंगा यूनिवर्सिटी T612, क्योंकि 7 गेमिंग के लिए काफ़ी बेकार है। बात करें नगले रिव्यू पे फॉर कंजप्शन एंड दो बेंचमार्क है, तो बैटरी लाइफ में यहाँ पे यूनिक का स्कोर है 59 एंड हीलियो का स्कोर है 60। नेक्स्ट अंदोदो की बात करें तो अंदोदो में यूनिवर्सिटी T612 का स्कोर है 2,88,773 एंड हीलियो का स्कोर है 1,00,000, काफ़ी कम स्कोर इसका, 1,14,216। नेक्स्ट आप गीक बेंच को भी देखते हैं तो गीक बेंच में सिंगल कोर का यूनिवर्सिटी में स्कोर है 346 एंड हीलियो का स्कोर है 171। मल्टी कोर की भी बात करें तो यूनिक का स्कोर है 1,319 एंड हीलियो का स्कोर है 977। सीडी मार्क को भी देखते हैं तो यूनिक का स्कोर है 412 एंड हीलियो का स्कोर अभी तक नहीं है, जो कि काफ़ी कम होगा, मुझे लगता है इसका स्कोर 200 या 300 ही होना चाहिए। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यूनी जो है अनाउंस होता है जनवरी 2022 में एंड हीलियो अनाउंस होता है दिसंबर 2018 में। काफ़ी पुराना प्रोसेसर है लेकिन अभी भी कुछ टैबलेट एंड स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। एंड क्लास की बात करें तो दोनों प्रोसेसर एक लो इन क्लास प्रोसेसर है। एंड मॉडल नंबर की बात की जाए तो हीलियो का मॉडल नंबर है MT6765। अब आप मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों ही प्रोसेसर ऑक्टोकोर प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। यूनी में यहाँ पे 2 कोर 1.8 GHz लो क्वार्टेक्स A75 होंगे एंड 6 कोर 1.8 GHz लो क्वार्टेक्स A55 देखने को मिलते हैं। हीलियो में बात की जाए तो यहाँ पे 4 कोर 2.3 GHz लो क्वार्टेक्स A53 होंगे एंड यहाँ पे 4 कोर 1.8 GHz लो क्वार्टेक्स A53 होंगे। यहाँ पे दोनों ही जो कोर हैं A53 हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें कोर्स वाइज तो यहाँ पे हीलियो एक बेकार प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अपने सीपीयू फ्रीक्वेंसी क्लॉक पे तो यूनी जो है 1800 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है, वहीं हीलियो जो है 2300 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है। अगर बात करें सीपीयू फैब्रिकेशन की तो यूनी बना है 12 नैनोमीटर पे, हीलियो भी बना है 12 नैनोमीटर पे। ग्राफिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे यूनी के जीपीयू का नाम है MLE G57 F1 का आर्किटेक्चर है वॉलहॉर्न में, हीलियो के जो जीपीयू का नाम है IMG Power BRG 8320 है, इसका आर्किटेक्चर है रुज। अगर ग्राफिक्स की बात की जाए फ्रीक्वेंसी की मतलब, तो यहाँ पे हीलियो क्लॉक है 680 मेगाहर्ट्ज़ पे। वैसे स्नैपड्रैगन 680 मुझे याद आ रहा है कि एक प्रोसेसर का नाम, प्लेलिस्ट है मेरे पास, आप जाके देख सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट्स में हीलियो का जो फ्लोटिंग पॉइंट निकल कर है वो 45 है, जो कि यहाँ पे काफ़ी कम देखने मिलेगा, जो कि हीलियो G70 से भी पीछे है। यहाँ पे गेमिंग में बात करें तो यूनिक 600 का जो है देखने को मिलेगा वो है रियलमी C30 पे, हीलियो मिलेगा वीवो Y15S पे। पबजी मोबाइल के साथ स्टार्ट करें तो मैक्सिमम रेट 30 एंड 30 का ही होगा। एंड ग्राफिक्स की बात की जाए तो यूनी सपोर्ट करता है बैलेंस मीडियम, हीलियो भी बैलेंस मीडियम के साथ है। एंड अगर सीओडी मोबाइल की बात की जाए तो इसमें मैक्सिमम फ्रेम रेट 30 एंड 30 का होगा। ग्राफिक्स में भी दोनों प्रोसेसर मीडियम का ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन रिकमेंड यही है कि यूनी 612 ले लीजिएगा। मेमोरी टाइप सपोर्ट पे तो रैम टाइप सपोर्ट में यूनी के पास है LPDDR4X जिसकी रैम फ्रिक्वेंसी नहीं आई, जबकि हीलियो के पास है LPDDR4X की रैम फ्रिक्वेंसी है 1600 मेगाहर्ट्ज़। अब तक के कंपैरिजन मुझे पहला प्रोसेसर मिला जिसकी फ्रिक्वेंसी है 1600 मेगाहर्ट्ज़ की। बात करें स्टोरेज टाइप सपोर्ट में तो यूनी सपोर्ट करता है MC5.1, UFS 2.2 एंड UFS 2.1 एंड हीलियो सपोर्ट करता है AMC 5.1। अपने कैमरा एंड डिस्प्ले पे यहाँ पे बात करें अगर कैमरा एंड डिस्प्ले की, तो कैमरा एंड डिस्प्ले में वीडियो कैप्चर एंड वीडियो प्लेबैक में दोनों प्रोसेसर 1K and 30 FPS का सपोर्ट देते हैं। एंड अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो दोनों प्रोसेसर के पास अलग अलग डिस्प्ले रेजोल्यूशन सपोर्ट है। यूनी सपोर्ट करता है 2116x1080 pixels का डिस्प्ले, वहीं हीलियो सपोर्ट करता है 2400x1080 pixels का डिस्प्ले। फ्री वाइस अगर 5G की बात की जाए तो यहाँ पे 5G की बात करें कोई मतलब नहीं है, दोनों प्रोसेसर 4G प्रोसेसर हैं। अगर 4G की बात की जाए तो दोनों के पास LTE Cat 7 है। अगर यहाँ पे ब्लूटूथ को भी देखा जाए तो यूनी एंड हीलियो दोनों के पास ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है। स्पीड यहाँ पे सेम देखने मिलेगी क्योंकि दोनों के पास LTE Cat 7 है। डाउनलोड स्पीड में दोनों के पास 300 MBPS की स्पीड होगी, अपलोड में दोनों के पास 150 MBPS की स्पीड होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग और हीलियो P35 मत लीजिएगा।